प्रधानमंत्री कहते हैं, तेज तर्रार चर्चा हो, तीखी तमतमती चर्चा हो, लेकिन चर्चा तो हो, वाद हो, विवाद हो, संवाद तो होना ही चाहिए। और संसद में देखिए कैसे जनता के चुने हुए सांसद संवाद करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं, डरो मत हिंदुस्तान के किसानों, आप घबराओ मत, आपका काम होने वाला है। लेकिन किसान के मुद्दे पर संसद में देखिए होता क्या है। उनके लिए बाजार हस्तक्षेप योजना है और इसका उपयोग उत्तर प्रदेश की सरकार ने आलू पर किया है। लोकसभा अध्यक्ष हाथ जोड़कर सांसदों से कहती हैं, हम स्कूली बच्चों से भी गए गुजरे हो गए थे, पार्लियामेंट इज फॉर डिस्कशन, ये हाथ जोड़ के निवेदन है। लेकिन संसद में होता है सिर्फ हंगामा। दिन के शीतकालीन सत्र में पहले ही हफ्ते हंगामे से संसद के 27 घंटे बर्बाद हो गए। ।2019 के चुनाव से पहले संसद के आखिरी पूर्ण सत्र में अब तक सिर्फ 7% वक्त काम हुआ। मंत्रालय से दी गई है, फूड सप्लाई विभाग से सीधे किसानों के खाते में गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आज आपको संसद में राष्ट्रहित पर धोखा देने वाले सांसदों की घंटी बजानी है। देखिए, हमारे देश में नुकसान चाहे देश को कोई पहुंचाए या बेजुबान जानवर को कोई पहुंचाए, सजा सबको मिलती है। लेकिन हमारे देश में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि माननीय सांसद संसद के हर सत्र में जनता की भावनाओं और करदाता के पैसे पर विश्वासघात करते हैं, सदन में हंगामा करके। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, देख रहे होंगे आप, 40 से ज्यादा बिल अटके हुए हैं साहब। लेकिन कैसे हर महीने जनता के पैसे से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पाने वाले सांसद संसद नहीं चलने देते, ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं। देश के हर सांसद को उसका कर्तव्य याद दिलाने वाली ये रिपोर्ट देखिए और जोरदार घंटी बजाकर उसे अपना कर्तव्य याद दिलाइए। देश में कीमत ना मिलने से लहसुन का किसान अपनी मेहनत नाले में फेंकने के लिए मजबूर होता है, लेकिन संसद में जब लहसुन के मुद्दे पर सवाल होता है, नहीं मिल रहा है इसलिए क्या भारत सरकार इसके भंडारण प्रक्रिया पे कुछ नहीं, तो कृषि मंत्री का जवाब भी सुनने में सांसदों की दिलचस्पी नहीं दिखती। देश का किसान प्याज की कीमत 98 रुपया पाता है तो प्याज फेंकने लगता है। अपनी लागत मिलने, लेकिन संसद में प्याज के किसान की दशा पर सवाल उठाया जाता है, निर्धारित मूल्य मिलने का सरकार क्या, तो प्याज के किसान के लिए कृषि मंत्री के जवाब को सुनने की जगह राधा मोहन सिंह के सामने खड़े होकर सांसद नारेबाजी करते रहते हैं। देश में गन्ने के किसान का पैसा चीनी मिल वाले खाए बैठे रहते हैं, लेकिन जब गन्ने के किसान का जिक्र भी संसद में होता है तो गन्ना किसान के मुद्दे पर जवाब देते कृषि मंत्री को सुनना छोड़कर सदन में सांसद सिर्फ हंगामा करते हैं। लेकिन पूछिए, क्या संसद में हंगामा करने वाले सांसद हंगामे के बदले बर्बाद हुए सदन के वक्त की भरपाई अपना भत्ता छोड़कर करेंगे?
वेतन भत्ता की बात आएगी जहां हमारा लीडर कहेगा हम लोग छोड़ेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन आज वो इम्पोर्टेंट नहीं है। भत्ता इतना महत्वपूर्ण चीज नहीं है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि सब पार्टियों को संसद की जो मर्यादा है उसके बारे में जरूर अपने अपने सांसदों के साथ बातचीत करनी चाहिए। तो क्या संसद में पांचवी के बच्चे जैसा हंगामा करना मर्यादा है और महत्वपूर्ण है? ऐसे ही हंगामे ने देश की जनता की गाढ़ी कमाई से चलने वाली संसद के शीतकालीन सत्र के पहले 6 दिन में ही 70 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। देश की संसद यानी लोकतंत्र का वो मंच जो बना है संवाद के लिए, जनता के विषयों पर वाद विवाद के लिए, बहस के लिए, उन्हें उठाने के लिए। लेकिन अक्सर राजनीतिक दलों की सियासत में उलझकर इस संसद का वक्त हो जाता है बर्बाद। कुछ यही नमूना संसद के शीतकालीन सत्र में भी नजर आ रहा है। करीब 20 दिनों के इस सत्र में 114 घंटे जनता के मुद्दों को उठाने के लिए रखे गए थे। इस सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो चाहते हैं कि यह संसद उत्पादक तरीके से बहस कर सके, बात कर सके। लेकिन बीते 5 दिनों में जो नजारा इस संसद में नजर आया उसमें समय की बर्बादी की ही तस्वीर नजर आती है। इन 114 घंटों में से करीब 27 घंटे अब तक बर्बाद हो चुके हैं। इस संसद को चलाने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया खर्च होता है। लहसुन को प्याज को भी जनता के वोट से चुनकर आने वाले सांसद देश के करदाता का पैसा ही बर्बाद नहीं करते बल्कि राष्ट्र हित से धोखा भी करते हैं। कैसे, जरा इसको देखिए। लोकसभा की कार्यवाही को प्रति घंटे चलाने का खर्च आता है 1.5 करोड़ रुपए। राज्यसभा की कार्यवाही प्रति घंटे चलाने का खर्च होता है 1.1 करोड़ रुपए। लेकिन PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक शीतकालीन सत्र में लोकसभा में सिर्फ 8% वक्त काम हुआ, राज्यसभा में इस सत्र में सिर्फ 6% काम हुआ है। 7 बिल महत्वपूर्ण बिल लंबित हैं, लोकसभा के अंदर करीब 15 बिल महत्वपूर्ण लंबित हैं, इसके अलावा 20 और नए बिल हैं। ऐसे के अंदर आप समझिए संसद के अंदर काफी कामकाज होना है। लेकिन जिन्हें जनता से जुड़े अहम बिलों पर चर्चा करनी है, उन्हें पास कराना है, वो सांसद कर क्या रहे हैं? इस तस्वीर को देखिए। लोकसभा में कोई भी सांसद बोलने को खड़ा हुआ तो BJP सांसद उसके आसपास जाकर प्ले कार्ड दिखाने लगते हैं, नारे लगाते हैं। ऐसे ही हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष को हाथ जोड़ना पड़ गया देश के कुछ सांसदों के सामने। ये हाथ जोड़ के निवेदन है, कई बार बाहर के देशों के लोग भी बोलते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। कई बार मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैडम हमारा स्कूल अच्छा चलता है। आप समझो कि हम क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम स्कूली बच्चों से भी गए गुजरे हो गए हैं। आई एम सॉरी, हम जिम्मेदार, लाखों लोगों ने हमें चुन के दिया है, 10-10, 15-15 लाख वोट हम पाते हैं, थोड़ा सा हम जिम्मेदारी निभाएं। पार्लियामेंट इज फॉर डिस्कशन, ये हाथ जोड़ के निवेदन है। क्यों ना जोड़े हाथ, जबकि लोकसभा 18 दिसंबर यानी आज सिर्फ 25 मिनट 32 सेकंड चल पाई। हाउस स्टैंड्स एडजॉर्न्ड टू मीट ऑन वेडनेसडे। 18 दिसंबर को राज्यसभा 2 बार स्थगित हुई और सिर्फ 12 मिनट 31 सेकंड सदन चल पाया। सत्रह दिसंबर यानी सोमवार को तो राज्यसभा सिर्फ 5 मिनट 50 सेकंड चलकर हंगामे के कारण ठप हो गई। Farmers are very much affected. Not one state, Tamil Nadu, Kerala and also Andhra Pradesh and other states. And you people are not interested in discussing. You want to do, you want to create din in the house. लोकसभा में BJP हंगामा कर रही है कि राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी माफी मांगे। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद हंगामा कर रहे हैं कि राफेल पर JPC का गठन हो। आंध्र को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने के लिए TDP के सांसद हंगामा कर रहे हैं।
कावेरी पर बांध के खिलाफ एआईएडीएमके के सांसद हंगामा कर रहे हैं। संसद को लोकतंत्र का मंदिर न मानकर हुल्लड़बाजों की जागीर मानो कुछ सांसदों ने बना दी हो। इसे चलाने के लिए केपीसी आप मंजूर करो ताकि हर फाइल आएगा। बीजेपी के सांसदों को राहुल गांधी से माफी मंगवानी है तो हंगामा संसद में क्यों? क्यों नहीं बीजेपी के सांसद कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर जाकर तख्ती दिखाकर नारेबाजी करते हैं? कांग्रेस को अगर राफेल पर जेपीसी की जांच का मुद्दा उठाना है तो कांग्रेस सदन में हंगामा करके ही क्या राफेल की जांच कराएगी? क्या हंगामा ही सदन में अपनी आवाज उठाने का राजनीतिक दलों के लिए एक जरिया है? पूछा हमने राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सिंह से। जो बात कहनी है आप सदन चले उसमें कहिए, सरकार की आलोचना कीजिए, निंदा कीजिए, भर्त्सना कीजिए, सरकार के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए। सारे तरीके मौजूद हैं संसद की कार्यवाही में सरकार को घेरने के लिए और यहां तक कि जनतांत्रिक तरीके से वोट से सरकार को गिराने के लिए। इसके बाद हंगामा करने का मतलब यह है कि आपके पास कहने के लिए सब्सटेंशियल कुछ है नहीं। पिछले 4.5 साल में लोकसभा में हंगामे के कारण 360 घंटे बर्बाद हुए। हंगामे से लोकसभा में 4.5 साल में 540 करोड़ रुपए जनता के बर्बाद हुए। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल माफी मांगो, झूठे राहुल माफी मांगो। ऐसे ही हंगामे के कारण देखिए होता क्या है। पहली लोकसभा में औसत 1 साल में भारत की तत्कालीन 36 करोड़ जनसंख्या से जुड़े 72 बिल पास हो जाते थे। अब देखिए पिछले साल यानी 2017 में भारत की 132 करोड़ जनसंख्या से जुड़े 73 बिल ही लोकसभा में पास हो पाए। देशहित और जनहित के मुद्दे पर रोज संसद के सदन 6 घंटे चलने होते हैं, लेकिन इससे पहले अभी मॉनसून सत्र में तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि संसद पूरे तय वक्त चली हो। और शीतकालीन सत्र में यही होता दिख रहा है, जहां जनता के मुद्दे उठाने का भरोसा देकर संसद पहुंचने वाले सांसद जनता के मुद्दे पर भरोसा तोड़ रहे हैं। किन जिंसों का तो फिर होना क्या चाहिए कि संसद चले? जब सांसद हंगामा क्लास में 5वीं के बच्चे की तरह करते हैं तो क्या ऐसे हंगामा करने वाले हर दल के सांसद को क्लास के बच्चे की तरह ही निलंबित करके बाहर करके सदन चलाया जाना चाहिए? ऐसे कानून होने चाहिए कि जिसके अंदर अगर कोई वेल में आएगा तो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। सर आप तय कीजिए, अगर 5 लोग कर रहे हैं या तो उनकी चीजों का समाधान करिए, नहीं तो सस्पेंड करिए, आगे बढ़िए, संख्या बल पर तय होगा। लोकसभा और राज्यसभा में भी ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है और सब दलों को बैठकर या तो ये फैसला करना चाहिए कि संसद कैसे सुचारू रूप से चले या फिर पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन होना चाहिए, उसमें नियमों में बदलाव पर विचार होना चाहिए और जो सदस्य हंगामा कर रहे हैं उनके खिलाफ उचित कार्यवाही जरूर हो। लाखों लोगों ने हमें चुन के दिया है, 10-10, 15-15 लाख वोट हम पाते हैं, थोड़ा सा हम जिम्मेदारी निभाएं। पार्लियामेंट इज फॉर डिस्कशन, ये हाथ जोड़ के निवेदन है। आज एबीपी न्यूज की राय है, अगर संसद में हंगामे के चलते जनता के हित का काम नहीं हो पाता और जनता का सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद होता है तो सांसदों को उस दौरान का वेतन भत्ता नहीं मिलना चाहिए। जो सांसद हंगामा करने के लिए जिम्मेदार हों उन्हें चिन्हित करके निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। शीतकालीन सत्र में बाकी बचा वक्त देशहित और जनहित के मुद्दों पर सदन में चर्चा में खर्च हो, न कि हंगामे में। इसके लिए तुरंत कदम सरकार और विपक्ष के नेता मिलकर उठाएं। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। ये है
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।